मेरा नाम आरव रसोई है। मैं 10 साल का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों को भाषाशैली की और व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ। भाषा भाषा वो होती है जो हम बोलकर और लिखकर व्यक्त करते हैं, और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जो भाषा हम बोलकर व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नाटक, फिल्म, वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, ये सारे मौखिक भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा, जो भाषा हम लिखकर व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे गृह कार्य करना, परीक्षा लेना, प्रोजेक्ट संबंधी कार्य करना, कहानी लिखना और पत्र लिखना। मेरा नाम शनमुख है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज मैं आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भाषा भावों तथा विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। भाषा का भी दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जब हम अपने मनोभावों का विचार करते हैं उसे हम मौखिक कहते हैं। जैसे हम किसी से बात करना चाहते हैं और हम मौखिक यूज करते हैं, तो मौखिक